गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल फैट आरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए एंजल गाइडेंस, डिवाइन के मैसेजेस क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जो भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो देखते हैं क्या निकल के आता है। कार्ड पहले ही यूनिवर्स ने दे दिया है। लीप ऑफ ए जीरो, न्यू बिगनिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू वॉट गिव्स यू जॉय। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है ना, द फूल की एनर्जी होती है, तो लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, एक फेथ जो आपको खुद पर रखने का। बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और दूसरा चीज़ है लिसन टू योर हार्ट। जो भी आपका दिल कहना चाहता है, दिल करना चाहता है, वो ज़रूर कीजिए। रिस्क ये है कि जो भी रिस्क लेना है ले सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क, नो सोच समझ के वाले रिस्क, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कुछ करना चाहते हो, काफ़ी अरसे से आप वेट कर रहे हो करने की, लेकिन जो करना चाहते हो उसमें नई शुरुआत तो नहीं हो रही है, क्योंकि उसके कोई रीज़न है, कुछ में कोई रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपको पता है कि उस रिस्क को कैसे मिटिगेट या उसे कैसे निभाया जा सकता है। तो वो चीज़ सोच समझ के आप अगर कुछ चीज़ का, मतलब इसमें क्या होता है ना कि आप अपनी जो दिल की बात सुनते हैं ना, तभी वो चीज़ सक्सेसफुल होती है, क्योंकि आप प्योरली अपने दिल से कोई भी काम करते हो तो वो सक्सेस होता ही है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आपके अगर इंट्यूशन कह रहे हैं ना कि ये होगा तो होगा ही, लेकिन प्योरिटी ऑफ हार्ट, लाइक ना इमोशंस बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए, खुद के ऊपर यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास चाहिए। तो इफ़ यू बिलीव वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है, इफ़ यू बिलीव। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन करने से आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अभी काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि मेडिटेशन होता नहीं है, तो प्लीज़ लेकिन करना तो पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा तो बैलेंस, काम डाउन, स्पेशली काम डाउन तो करना ही पड़ेगा। तो वो सारे सवाल या फिर आपकी नई शुरुआत उसी की वजह से रुकी हुई है, तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। और दूसरा है नॉट द राइट टाइम, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नॉट द राइट टाइम, तो मे बी यूनिवर्स कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कि कोई भी चीज़ के लिए जैसे ये चीज़, ये वक्त राइट नहीं है। तो कुछ चीज़ ऐसे है ना कि जो आप चाहते थे वो कुछ करना, बट हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा चीज़ है जिसके लिए अभी सही वक्त नहीं है, शुरुआत तो उसकी नहीं होगी। आप अपनी दिल की सुनोगे तो काम सक्सेसफुल भी होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए या कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए यूनिवर्स का स्पेसिफिक मैसेज है कि नॉट द राइट टाइम, अभी वो उसके लिए वक्त नहीं आया है। सो काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज था, तो आई होप आपको वो मैसेज मिला हो। हैव अ ग्रेट डे।